आदाबर्ज है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की आम खबरों पर। परेशान हाल अवाम को लूट रही है बीजेपी की मरकजी हुकूमत। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बैलगाड़ी और साइकिल रैली के जरिए किया अनोखा मुजाहरा। पैठन गेट तक गुलमंडी रास्ता बनेगा नो व्हीकल जोन। 5 मंजिला मल्टी स्टोरेज पार्किंग तामीर करेगी कारपोरेशन। कारपोरेशन और मुकामी कायदीन की संगीन गफलत। तारीखी महमूद दरवाजे की हालत हुई मखदूश, किसी भी वक्त हो सकता है जमींदोज। मकबरे की जमीन पर नाजायज कब्जों में महकुमा महसूल का अमला भी शामिल। महकुमा आसार कदीमा ने किया इंकशाफ, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत की अवामी दुश्मनी पॉलिसी के खिलाफ आज कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। ईंधन और लाजमी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज कांग्रेस ने बैलगाड़ी और साइकिल रैली के जरिए अनोखा मुजाहरा किया। बीजेपी की मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के अलावा अनाज दालें तेल और सब्जी तरकारी के दामों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत को लुटेरों की सरकार करार देते हुए इसकी मजम्मत में बैलगाड़ी और साइकिल रैली निकाली। रैली में साबिक रियासती वजीर अनिल पाटिल, जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी के अलावा इब्राहिम पठान, आकिफ रजवी, अरुण मुगदिया, रवि काड़े, किरण पाटिल डोनगांवकर, रामू शेड़के, भाऊ साहेब जगताप, सरोज मसड़गे पाटिल, दीपाली मिसाड़, सरजेराव चौहान, आतिश पितड़े, मोहित जाधव, शेख अथर, मोहसिन खान, मजहर पटेल, नदीम शेख, हबीब शेख, एडवोकेट सैयद अकरम समेत कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद थे। गांधी भवन से निकाली गई इस रैली में बैलगाड़ी के अलावा घोड़े और साइकिलों पर कांग्रेसी कायदीन ने सवारी की। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर एक वफद ने मरकजी हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना करके महंगाई कम करने का मुतालबा किया। पातळीवर आज पेट्रोल डीजल आणि गॅसची जी भाववाढ झालेली आहे, सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या आयुष्यातील खिशातील रोजच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी कातर लावण्याची वेळ आलेली आहे। आणि ही लूटमार मोदी सरकारने सुरू केलेली आहे, ज्याच्या विरुद्ध राहुलजी गांधी यांनी सांगितलं आहे की पेट्रोलचे रेट कमी करा, तुमचे टॅक्स कमी करा। आणि असं असताना सुद्धा रोज 2-2, 4-4 रुपये, मला वाटतं फक्त 17 पैशांनी काँग्रेसच्या जमान्यामध्ये भाव वाढले होते। तर अटलजी बैलगाडीने गेले होते संसदेवर, आज तर रोज वाढू लागलेले आहेत आणि इतके असह्य झालेले आहेत की जे 400 रुपयाचं सिलेंडर होतं ते आता 900-950 रुपये झाले। हे अच्छे दिन आहेत का? म्हणून आमच्या नेत्या सोनियाजी गांधी आणि राहुलजी गांधी यांनी आणि आपले प्रदेश काँग्रेसचे लोकप्रिय अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी एक आदेश काढलेला आहे, संपूर्ण 5-7 दिवसामध्ये मोदी सरकारच्या निषेधार्थ, पेट्रोल डिझेल आणि गॅस वाढीच्या निषेधार्थ आपण रस्त्यावर उतरलं पाहिजे आणि लोकांच्या समस्या ज्या आहेत त्या विश्व टांगल्या पाहिजे। त्या दृष्टीनं आज शहर काँग्रेसतर्फे मोठी या बाबतीत एक रॅली निघणार आहे, एक निषेध मोर्चाच्या मध्ये निघणार आहे आणि रोजच्या भाववाढीला आज जनता कंटाळलेली आहे। शहर के सबसे मसरूफ बाजार यानी पटन गेट और गुलमंडी में ट्रैफिक का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए कारपोरेशन ने यहाँ 5 मंजिला मल्टी स्टोरेज पार्किंग करने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत पटन गेट तक गुलमंडी इलाके को नो व्हीकल जोन करार दिया जाएगा। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के 4 अहम रास्तों के लिए नया डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया, जिसके लिए 4 आर्किटेक्ट एजेंसी मुकर्रर की गई। क्रांति चौक तक गुलमंडी रास्ता इनमें शामिल है, जिसके तहत पैटर्न गेट तक गुलमंडी रास्ता नो व्हीकल जोन करार दिया गया जाएगा। यहां से 4-व्हीलर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोकने के लिए पार्किंग का नज्म भी किया जा रहा है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने इस मसले को जल्द हल करने के लिए पैठन गेट की खुली जगह पर 5 मंजिला मल्टी स्टोरेज पार्किंग तामीर करने का फैसला किया। ये पार्किंग
फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए होगी, जिसमें गाड़ियां पार्क करके पैठन गेट तक गुलमंडी पर पैदल ही चलना पड़ेगा। कारपोरेशन ने इस मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट एडवाइजर का तकरर करने के लिए टेंडर जारी कर दिया। म्यूनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक एडवाइजर का तकरर होने के बाद पार्किंग की तामीर का काम शुरू किया जाएगा। सरकारी महकमों की संगीन गफलत और सियासी कायदीन की लापरवाही के सबब तारीखी शहर औरंगाबाद बहुत जल्द अपने एक बेहतरीन तारीखी वरसे से महरूम होने का खदशा पैदा हो गया है। आज फिर एक हादसे का शिकार 400 साल तारीखी महमूद दरवाज़ा किसी भी वक्त मुनहदम हो सकता है। कुछ दिनों पहले किसी हेवी व्हीकल गाड़ी ने पंचकी से करीब तारीखी महमूद दरवाजे को जबरदस्त टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया था, जिससे दरवाजे में लगे भारी पत्थर ढीले होकर नीचे गिर गए और ऊपरी हिस्से में कुछ पत्थर ढीले होकर गिरने के करीब थे। हादसे को टालने के लिए कारपोरेशन ने इस दरवाजे को लोहे के भारी एंगलों से सहारा देकर खड़ा किया, जिसके बाद ये रास्ता आमदोरफ्त के लिए फिर से खोल दिया गया था। लेकिन हेवी व्हीकल गाड़ियों को यहां से गुजरना मुहाल था। इसके बावजूद आज फिर यहां से किसी गुजरने वाले ट्रक ने दरवाजे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से ये एंगल फिर टूटकर गिर पड़े। अब ये दरवाजा एक बार फिर आमदोरफ्त के लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। 400 साल कदीम दरवाजा किसी भी वक्त जमींदोज हो सकता है, लेकिन न कारपोरेशन और न ही किसी सियासी जमात के कायदीन शहर की इस शानदार तारीख के गवाह दरवाजे की हिफाजत के लिए आगे आने के लिए तैयार है। OBC रिजर्वेशन के बगैर मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन मुनक्कद ना किए जाएं, यह मतालबा NCP के मकामी लीडर गयास बागबान ने किया। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन खत्म होने से OBC तबके का सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। जब तक OBC की सीटें बहाल नहीं होती, तब तक जो है तो कोई इलेक्शन लगना नहीं चाहिए, चाहे ग्राम पंचायत के हो, नगर पालिका का हो, महानगर पालिका का हो, जिला परिषद का हो, कोई इलेक्शन गवर्नमेंट ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि OBC ही एक ऐसी समाज है जिनको कहीं स्थान नहीं मिलता। और अगर जनरल ये हो गया तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। हम OBC बागवान बिरादरी OBC से आती, कुरैश बिरादरी OBC से आती, इन्होंने कहाँ से चुन के आना फिर? इसलिए छोटी जमातें जो है तो हमारे VP सिंह के दौर में बनी हुई है और सबको हमारा बराबर का स्थान मिले हुआ है। और ये गवर्नमेंट ने कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट ने इसका वो कर दिया कि आप जनगणना करो। जब तक जनगणना नहीं होती है, जब तक कानून का लागू नहीं होता, हमारी कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। OBC ने तो फिर एज इट इज इलेक्शन जो यहाँ पे वार्ड बने उस हिसाब से OBC के इलेक्शन लो। OBC हमारा हुकूमत को बोलना है कि भाई ये तो BJP के टाइम में आ गया था 2017 में, राजकीय आरक्षण इनको लागू करने की वजह से इनका नुकसान हो रहा, इसलिए इन्होंने BJP गवर्नमेंट ने खास तौर से OBC को बाजू हटाई। अगर राजकीय आरक्षण मिल जाता है तो जाहिर है कि फिर उनको स्थान नहीं मिलने वाला। कोरोना के वबाई दौर में शहरियान की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालकर काम करने वाले मलेरिया डिपार्टमेंट के अमले को कोरोना जाबाज के एजाज से नवाजा गया। ये इस्तकबालिया तकरीब सिल्क मिल कॉलोनी में कारपोरेशन के जानिब से मुनक्कद की गई थी। कारपोरेशन के जोन नंबर 8 सतारा देवलई में तायनात मलेरिया डिपार्टमेंट की टीम ने वबाई दौर में जोन की हदूद में मलेरिया की रोकथाम के साथ साथ COVID-19 से शहरियान की हिफाजत के लिए कारपोरेशन की जानिब से दी गई हर पुरखतर और अहम जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इनकी जाफिशानी और दयानतदारी को देखते हुए कारपोरेशन की जानिब से सिलक मिल कॉलोनी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक प्रोग्राम मुनाकद किया गया, जिसमें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगड़े, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेजा के हाथों मलेरिया टीम के शेख अनवर शेख दादा भाई और उनके अमले का इस्तकबाल किया गया और उन्हें कोरोना जाबाज के एजाज से नवाजा गया। प्रोग्राम में साबिक म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ीले, डॉक्टर अंजलि नलगीकर, डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर शोएब शेख, KB मोरे वगैरह मौजूद थे। रियासत में दलितों पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए लोक विकास परिषद के एक वफद ने हुकूमत से दलितों के तहफ्फुज और कातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मतालबा किया। बुल्डाना के चिंचोला देहात में आला जात के हिंदुओं ने एक दलित कुंबे पर हमला किया था। इस वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए लोक विकास परिषद के एक वफद ने आज डिविजनल कमिश्नर की मोरफत रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना किया। वफद ने कहा कि चिंचोला देहात में दलित कुंबे पर हमला करने वाले आला जात के हिंदुओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस हमले के फौरी बाद शिवसेना के मेंबर असेंबली संजय गायकवाड़ ने इसी गांव में आसपास के देहातों से आलाजात के हज़ारों अफराद को जमा करके उन्हें दलितों के खिलाफ उकसाया और दो तबकों में नफरत फैलाने की मज़मूम कोशिश की।
इसलिए वजीर आला फौरन संजय गायकवाड़ को ओहदे से हटाए और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना लोक विकास परिषद की तरफ से रियासतगीर तहरीक शुरू की जाएगी। वफद में परिषद के सदर सैयद अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक अहमद, सचिन गाड़े, जावेद चाउश, मोइनुद्दीन और आसिफ शेख वगैरह मौजूद थे। कि बुल्डाना में चितौड़ गांव अंबिका नगर एक इलाका है जहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें दलित समाज जो है, दलित समाज के घर पर जो है तो धारदार हथियारों के साथ 10-12 लोगों ने जानलेवा हमला किया। एक दर्दनाक हमला था जिसमें उनके घर की औरतों के उंगलियां कटी, ज़ईफ औरतों के हाथ पर तलवार के घाव लगे और बुरी तरह से उन्हें जो है तो ख़त्म कर देने इरादे से हमला किया गया था उस परिवार को। उसकी वजह ये थी कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे, और अगर इन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आज हमने दरख्वास्त की है, आज डिविजनल कमिश्नर के मारिफत हमने दरख्वास्त की है, और अगर जो है तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसको आप वार्निंग समझिए, महाराष्ट्र सरकार आप इसको वार्निंग समझिए कि हम जो है तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पर आएंगे और चक्के जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर, जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर, लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई, तो ग्रह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत तो और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकर्णी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली, कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली, 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों ना हो, एक बार अवश्य मिले बाबा अकबर खान बंगाली। Thank you.
नाजरीन वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। तारीख़ी बीबी के मकबरे की ज़मीन की मिल्कियत का दावा करते हुए महकमे आसार कदीमा के मकामी सुपरिटेंडेंट मिलिंद कुमार चावले ने इंकशाफ किया कि मकबरे की ज़मीन का झूठा रिकॉर्ड तैयार करने में महकमे महसूल का अमला भी शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चावले ने कहा कि मकबरे की तज़ईन व आराइश के लिए यहाँ डिजिटल लाइट और म्यूज़िकल सिस्टम नसब करने के मंसूबे पर काम किया जा रहा है। हमने बीबी का मकबरा से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से वो इनक्रोचमेंट हटाया है और उसके अगेंस्ट में लोग बहुत वो कर रहे हैं कि वो उनका ज़मीन है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1971 के बाद जो रीनंबरिंग हुई थी उसके बाद ASI का नंबर नाम नहीं चढ़ा है उसके ऊपर। इसी का फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोगों ने ASI के और भी ज़मीन है वहाँ पे, जिसको अभी हमें पूरा डिटेल्स पता नहीं है लेकिन कोशिश कर रहे लेने का, और हम चाहते हैं कि लोकल लोग, आप प्रेस मीडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे जो बेमानी लोग उसके ऊपर अपना कब्जा करके रखे हैं, इनको हटाने में हमको ASI को मदद करें, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहायता नहीं मिलेगा, क्योंकि हम खाली अपने एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन एनफोर्स करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न है एक्ट में, तो वो हम कोऑपरेशन चाहते हैं और इसमें वो विल पैदा करने के लिए लोकल लोगों को भी आगे आना है। देखिए, निज़ाम्स के प्रॉपर्टी एक तो दो उसमें होगा, जैसे अभी मॉन्यूमेंट का हिसाब से अगर है तो 1949 में प्रिंसली स्टेट सब बंद हो गए, तो निज़ाम ने अगर किसी को मुतवली बनाया या किसी को केयरटेकर बनाया, वो राइट्स उसी दिन ख़त्म हो गई जिस दिन वो इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ, तो उन लोगों का कोई हक ही नहीं बनता उसके बाद उस पर। तो वो लोगों के जो हक जो मांग रहे हैं कि हमारा इस पे राइट है, वो गलत है, और इसी बेसिस पे हम इसको अभी आगे लड़ के इसको ख़त्म करना है केस। बीबी का मकबरा का ऑलमोस्ट 5 करोड़ के करीब का एस्टिमेट था विथ 5 ईयर्स मेंटेनेंस, क्योंकि ASI का कंडीशन यह है कि कोई भी इल्यूमिनेशन करेगा तो उसको 5 ईयर्स का उसका मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा। तो अभी पता नहीं कहाँ पे क्या स्टेज में है, लेकिन लास्ट मेरा जो AMC कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी उसमें वो बोले कि थ्रू MTDC उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गया है ये करने के लिए, बट बजट अबाउट 2.4 या 2.5 करोड़ है, तो पता नहीं अब कैसे वो लोग किस तरह से वो करेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप प्रोजेक्ट सब पहले सबमिट कीजिए, फिर DG ऑफिस जाएगा हमारा दिल्ली में, वहाँ से अप्रूवल आने के बाद फिर आप ले सकते हैं। जापान की तर्ज पर कम से कम जगह में ज़्यादा दरख्त लगाने के तरीके पर अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में घना जंगल बनाया जा रहा है। मियावाकी घन वन नामी इस प्रोजेक्ट में यूनिवर्सिटी की आधा एकड़ ज़मीन पर 6,000 दरख्त लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के हाथों इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अमल में आया। यूनिवर्सिटी में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट को नेशनल सर्विस स्कीम की मदद से पूरा किया जाएगा, जबकि माहौलियात के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली तंजीम इको सत्वा इसमें तावुन करेगी। इफ्तिताही प्रोग्राम में एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, रजिस्ट्रार जय श्री सूर्यवंशी, इको सत्वा की डायरेक्टर नताशा जरीन, डॉक्टर TR पाटिल, मिलिंद केड़कर, अमरपाली त्रिभुवन, सिद्धार्थ इंगड़े और प्रेम राजपूत वगैरह मौजूद थे। मियावाकी घनवन प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस और PhD हॉस्टल की आधा एकड़ खुली जगह पर 6,000 दरख्त लगाए जाएंगे, जिसमें 60 मुख्तलिफ किस्म के दरख्त शामिल हैं। ये प्रोजेक्ट दिवाली तक पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन के इंतखाब, पानी की दस्तियाबी, इसके अलावा मुंतखब जगह से हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर से दूर होना चाहिए, दरख्तों की देखभाल और दीगर उमूर के लिए माहौलियात के माहरीन की मदद ली जाएगी। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के क़याम की 76वीं सालगिरह के मौके पर मुनक्कदा शजरकारी मुहिम में साबिका व मौजूदा तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मुहिम के तहत नागसेन वन इलाके में सैकड़ों दरख्त लगाए गए। मिलिंद नागसेन वन स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से PES की 76वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर मेरे नागसेन वन में एक दरख्त मेरा भी इस उनवान के तहत शजरकारी की गई, जिसमें सैकड़ों साबिका और मौजूदा तलबा ने हिस्सा लेकर दरख्त लगाए। इस मौके पर तलबा की तंजीम ने अहद किया कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को तनजुली से बचाने और सोसाइटी के फरोग के लिए तमाम साबिका और मौजूदा तलबा को
अपने तौर पर आगे आकर ताउन करना चाहिए। प्रोग्राम में डॉक्टर प्रमोद दुथड़े, प्रसन्नजीत गायकवाड़, डॉक्टर किशोर सूर्यवंशी, पंकज भारसाखड़े, सुशीला खड़गे, अनिल जाधव के अलावा PES के तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला और सैकड़ों तालेबे इल्म मौजूद थे। या महाविद्यालय परिसरा मध्य मेरा खूब आज आनंद मी ग्रामीण भागा विद्यार्थी त्यावेळेस होतो, त्यावेळेस प्रथम मी मल्टीपर्पज हायस्कूल या ठिकाणी 11वी 12वीला प्रवेश घेतला। त्यानंतर पास झाल्यानंतर BA फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलिंद महाविद्यालयामध्ये शिक्षण पूर्ण केलं। हे करीत असताना आम्हाला हॉस्टेल्स आणि इतर भारत सरकार शिष्यवृत्ती ज्या मिळत होत्या त्या खरोखरच बाबासाहेबांच्या देणगीनं मिळत होत्या असं सर्व समाजामध्ये आणि आताही मिळतात ते त्यांचे फार मोठे उपकार आहे। खऱ्या अर्थानं इथून जे सुशिक्षित होऊन शिकून सरून बाहेर पडलेले जे तरुण आहेत त्यांनी या संस्थेसाठी पुढे येणं गरजेचं आहे, संस्थेसाठी योगदान देणं गरजेचं आहे। कारण ही संस्था खऱ्या अर्थानं आमची जन्मदाती आहे। जन्मदाती यासाठी की जो माणूस शिक्षित होतो त्याचा खऱ्या अर्थानं जन्म झालेला असतो, कारण अशिक्षित माणूस हा नसून असून नसल्यासारखा असतो। त्याच्यामुळे ही संस्था आपली जन्मदाती आहे आणि या संस्थेला च्या भरभराटीसाठी काम करणं, या संस्थेच्या विकासामध्ये योगदान देणं हे प्रत्येक आजी माजी विद्यार्थ्याचं कर्तव्य आहे। आजच्या या प्रसंगी एवढंच आवाहन आपल्या माध्यमातून करू इच्छितो। हके मालूमात कानून यानी RTI की आड़ में एक बिल्डर से 15 लाख फिरौती मांगने वाले शख्स को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। टाउन हॉल में सामने आए इस वाकये का मंजर CCTV कैमरे में कैद हुआ है। टाउन हॉल में वाकई बॉम्बे बिल्डर्स एंड डेवलपर के मालिक शेख मोहम्मद साबिर ने सिटी चौक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि मीर फखर अली जद्दी नामी शख्स RTI की आड़ में उससे 15 लाख रुपए फिरौती मांग रहा है। ये मामला 10 जून से जारी था। इस शिकायत पर सिटी चौक पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर शेष राव खटाने और उनकी टीम ने फखर अली को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया, जिसके मुताबिक पुलिस ने 2000 रुपए की नकली नोटों पर मुश्तमिल 7 गड्डियां बनाई, जिसमें हर एक गड्डी पर ऊपर और नीचे असली नोट लगाया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मोहम्मद साबिर ने फखर अली को रकम देने के लिए बुध की शाम अपने दफ्तर पर बुलाया। मीर फखर अली इनके दफ्तर पहुंचा। थोड़ी देर बातचीत के बाद फखर अली एक कैरी बैग में रखे नोटों के बंडल उठाया और दफ्तर से बाहर निकल गया। इसी अथना मौके के मंतजर पुलिस के जवानों ने उसे दबोच लिया। फिरौती की रकम की लेनदेन और फखर की गिरफ्तारी का यह सारा मंजर CCTV कैमरे में भी कैद हुआ। पुलिस ने इसके खिलाफ ताजिरात हिंद की दफा 384 के तहत केस दर्ज कर लिया। इस मामले में असिस्टेंट इंस्पेक्टर शेष राव खटाने तहकीकात कर रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन के मामले में हर हुकूमत ने मराठा समाज को बेवकूफ़ बनाया है। मौजूदा हुकूमत भी इसी रविश पर काम कर रही है। ये बात आज अखिल भारतीय छावा मराठा युवा संघ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। संघ ने ऐलान किया कि अब मराठों का हक हासिल करने के लिए खामोश जुलूस नहीं बल्कि 9 अगस्त से ठोक मोर्चा निकाला जाएगा। कि हा मराठा आरक्षण का लड़ा क्रांतिसूर्य अण्णासाहेब जवळे पाटलांनी 1996 पासून उभा केला कि मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, 1860 सारखा कायदा रद्द झाला पाहिजे अशा भूमिका घेऊन आक्रमकपणाने या महाराष्ट्रातील हजारो कार्यकर्त्यांनी केशसांगावर करून घेतल्या, परंतु प्रत्येक सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक करण्याचं काम केलेलं आहे। म्हणून या सरकारच्या विरोधात हा लढा आहे। आजचं सरकारसुद्धा मराठ्याची दिशाभूल करून मराठा समाजाला आरक्षण कसं मिळू नये याचाच प्रयत्न करत आहे। म्हणून या सरकारच्या विरोधात या पुढची भूमिका मराठ्यांचा उद्रेक या सरकारला दिसून येईल, या पुढे मूक मोर्चे महाराष्ट्रामध्ये होणार नाहीत, तर ठोक निर्णय आणि ठोक मोर्चेच पुढील काळामध्ये निघतील। आज आम्ही घोषणा केलेली आहे की 9 ऑगस्ट नंतर या महाराष्ट्रामध्ये दंडुकी मोर्चे आम्ही काढणार आणि जे जे मराठा आरक्षणाला जे खोडा घालत आहेत त्यांना मात्र त्या दांडक्यानंच त्यांचे डोके ठिकाण्यावर आणणार आणि मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दाखवणार ही भूमिका आम्ही घेतलेली आहे। आजपर्यंत बरेच दिवस आम्ही शांततेने 58 मोर्चे काढले, परंतु या पुढच्या काळामध्ये शांततेचे मोर्चे निघणार नाहीत। छत्रपतीची तलवार हातामध्ये घेऊन आम्ही मराठा आरक्षण मिळवून दाखवू। या मराठा आरक्षणाचा फायदा घेऊन अनेक जण स्वतःचा स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत। अनेकांनी आमदारकी घेतली, खासदारकी घेतली, महामंडळे घेतली, परंतु अशा सुद्धा भांडवलांना समाज पालतं घालून तुडविल्याशिवाय राहणार नाही। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिनभर की आम खबरों पर। परेशान हाल अवाम को लूट रही है BJP की मरकजी हुकूमत। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बैलगाड़ी और साइकिल रैली के जरिए किया अनोखा मुजाहरा।
पैठण गेट का गुलमंडी रास्ता बनेगा नो व्हीकल जोन। 5 मंजिला मल्टी स्टोरेज पार्किंग तामीर करेगी कारपोरेशन। कारपोरेशन और मुकामी कायदीन की संगीन गफलत। तारीखी महमूद दरवाजे की हालत हुई मखदूश, किसी भी वक्त हो सकता है जमींदोज। मकबरे की जमीन पर नाजायज कब्जों में महकुमा महसूल का अमला भी शामिल। महकुमा आसार कदीमा ने किया इंकशाफ, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।